हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बायोरेल्म। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट सेकंड ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इससे पहले कि हम ये पार्ट शुरू करें, हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे पिछले पार्ट जो कि पार्ट फर्स्ट था ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में, उसमें हमने क्या डिस्कस किया। तो व्हाट वी स्टडीड इन लास्ट वीडियो ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इज We studied what is linkage. So linkage का मतलब होता है बच्चों कि to have a kind of physical association, एक दूसरे से जुड़े हुए होना, इसका मतलब होता है linkage. आप यूज करते भी होंगे कई बार शब्द linked, link या linked शब्द यूज करते होंगे, तो link का मीनिंग होता है जुड़े होना. Okay? So what is linkage in terms of genes? So, if you see the definition, it is the tendency of genes to remain together and to inherit together into the next generation. अगले generation में वो जो genes जाते हैं, वो साथ साथ ही जाते हैं और एक साथ ही वो जुड़े होते हैं, मतलब रहेंगे भी साथ में और अगले generation में जाएंगे भी साथ में. ये जो tendency होती है genes की, इसे हम कहते हैं linkage. Okay? तो बेटा ये लिंकेज क्या है, हमने जो मेंडल जी का लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हमने उसमें ये देखा था कि ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ नहीं है, इसको एक्सेप्शन है. और ये एक्सेप्शन और कुछ नहीं बल्कि ये जो लिंकेज है, लिंकेज इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल जी ने कहा था कि दो पेयर्स ऑफ एलेल्स या दो एलेल्स होते हैं, वो एलेल्स सेग्रीगेट या सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. ओके, ये जो उन्होंने कहा था, ये मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये लिंकेज का कंसेप्ट दिया, जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है. तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि अगर जीन्स लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो दे कांट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, दे विल सेग्रीगेट अलोंग विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ ही वो अगले जनरेशन में जाएंगे. तो लिंकेज, ये जो कंसेप्ट है लिंकेज, ये है अपना एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इस पर आपको एमसीक्यू आ सकता है नीट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आपका आंसर होगा लिंकेज. ओके, तो ये इसमें हमने जाना कि एसोसिएशन, फिजिकल एसोसिएशन होता है. उसके बाद में हमने जाना कि लिंकेज के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें कि एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज में हमको दोनों के दोनों जीन एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही पास होते हैं, इसके वजह से वो साथ ही साथ में वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तो हमको नए कुछ जीनोटाइप्स या फिनोटाइप्स भी नहीं मिलते. लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि लिंक अगर जीन्स लिंक्ड हो भी, तब भी उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे कि हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस की प्रोसेस फर्स्ट में अगर हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ऐसे 5 सब स्टेजेस है, उनमें अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर का भी, उसमें पैकीटीन में वो जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें दिया हुआ है. तो ये क्रॉसिंग ओवर के वजह से क्या होता है, थोड़ा न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है, जिसे कि हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. तो न्यू जीनोटाइप्स यहाँ पर बनते हैं जो कि नॉन पैरेंटल जीनोटाइप्स है. ओके, उसके बाद में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रिकॉम्बिनेशन की, उतना ही उन दो जीन में का डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होगा. स्टुअर्ट वर्ड जो उनके स्टूडेंट है, उन्होंने ये प्रपोज किया था और वो सही भी था. ओके, तो ये था अपना पिछला वीडियो जो कि पार्ट वन है लिंकेज का. अभी आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है लिंकेज के टॉपिक में, तो वो जो एग्जाम्पल है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत तर बच्चों को तकलीफ होती है, ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उन्होंने थोड़ा
कॉम्प्लेक्स मोड में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग जैसे मेंडल डायहाइब्रिड रेशियो, मेंडेलियन डायहाइब्रिड रेशियो जैसे हमने देखा था, उसी फॉर्मेट में उसी फ्लो से हम लोग ये एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। बच्चों अब इसमें देखो, एक जो दिया हुआ है ये है क्रॉस ए, ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्रॉस ए जो दिया हुआ है वो कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, और आप मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये क्रॉस आपको समझ में आ जाएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, और उसी के हिसाब से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्रॉस बी को भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। आप अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो कंसेप्ट भी लर्न हो जाएगा, ओके। तो चलो बच्चों अब हम इसमें देखेंगे सिर्फ क्रॉस ए। क्रॉस ए मतलब का इस साइड का जो है, हम एक लाइन खींच लेते हैं, हम लोग आज सिर्फ देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले क्रॉस ए, ओके। तो बच्चों मैंने आपके लिए नोटबुक पर मैंने सिंप्लीफाइड वे में ये एग्जाम्पल सॉल्व करके रखा है, तो हम लोग उसी के साथ शुरुआत करते हैं। हम लोग ये एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे, और वो नोटबुक में मैंने सॉल्व किया हुआ है कैसे हम लोग जाएंगे वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहले बेटा अभी देखो, ये जो है ये क्रॉस ए और क्रॉस बी, इसमें मिला के उन्होंने तीन कैरेक्टर्स, थ्री पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर स्टडी किए, ओके। तीन पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर स्टडी किए, कौन से आपको यहाँ पर दिख रहा है बेटा? एक आपको दिख रहा है येलो, एक दिख रहा है व्हाइट, और एक दिख रहा है मिनिएचर। ये व्हाइट व्हाइट तो कॉमन हो गया, तो इसमें यहाँ पर तीन नाम आपको दिख रहे हैं। एक है आपको येलो दिख रहा है, ओके। दूसरा जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको व्हाइट, और तीसरा जो आपको दिख रहा है वो है मिनिएचर। तो येलो क्या है बेटा? येलो इज द कलर ऑफ बॉडी, ओके। व्हाइट क्या है? व्हाइट इज द कलर ऑफ आई, एंड मिनिएचर इज द साइज ऑफ विंग, ओके। तो ये कैरेक्टर्स, तीन कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए। कितने कैरेक्टर्स? तीन। हम लोग देखते हैं अभी आगे। अभी देखो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो क्रॉस ए है ये यहां पर मैंने लिखा है, तो कितना कैरेक्टर उन्होंने लिया है? तीन कैरेक्टर यहां पर लिया है, तीन कैरेक्टर्स पेयर्स यहां पर लिए हुए, जिनमें के फर्स्ट जो है वो है आपका बॉडी कलर। क्या है? बॉडी कलर। दूसरा है जो है आई कलर, और तीसरा जो है वो है विंग का शेप, ओके। हम लोगों ने अभी देखा इसमें कितना है, येलो व्हाइट और मिनिएचर, तीन जीन्स का यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है वो स्टडी किया था मॉर्गन जी ने। तो इसमें देखो यहाँ पर थोड़ी टर्मिनोलॉजी अलग होने के वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं बेटा, कोई भी अगर डोमिनेंट या डोमिनेंट को और हम एक दूसरे नाम से भी कह के बुलाते हैं, जो कि है वाइल्ड, जो यहाँ पर दिया हुआ है। डोमिनेंट मतलब क्या? वाइल्ड। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है वाइल्ड, ओके। यहाँ पर बोला है वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है बच्चों डोमिनेंट, ओके। तो ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर दिए हुए है, ओके। वाइल्ड मतलब क्या? डोमिनेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है रिसेसिव। दूसरा क्या होता है बेटा? रिसेसिव, ओके। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखते हैं, मेंडल जी ने क्या किया था, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर आपको शो करना है वो तो क्या करते हैं हम लोग, उसे कैपिटल से लिखते हैं, और अगर स्मॉल शो करना है तो उसे रिसेसिव अगर शो करना है तो हम इसे लिखते हैं स्मॉल टी। मतलब ये कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट, और स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव। यहाँ पर थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज है, इसके वजह से आपको यू माइट गेट लिटिल बिट कंफ्यूज। यहाँ पर क्या किया है बच्चों इन्होंने, जो डोमिनेंट है उसके आगे सिर्फ प्लस साइन लिख दिया, ओके। मतलब कि क्या, अभी देखो वाई प्लस और वाई,
दोनों लेटर क्या है, वाई ही है, लेकिन जिसके ऊपर प्लस साइन होगा वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, मतलब कि क्या, वाई। जिसके ऊपर प्लस साइन नहीं होगा वो हो जाएगा आपका रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट मतलब वाइल्ड, या उसे हम डोमिनेंट भी कर सकते। तो दो यहां पर फर्क है, एक तो उन्होंने डोमिनेंट को वाइल्ड कहा, एक जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा, यहां पर लिखेंगे, एक जो डिफरेंस है दे कॉल डोमिनेंट, दे कॉल्ड डोमिनेंट, डोमिनेंट एज वाइल्ड, ओके, ये एक डिफरेंस है। और दूसरा जो है उन्होंने जो सिंबल है, सिंबल, सिंबल में, सॉरी, सिंबल जो है दे रिप्रेजेंटेड प्लस साइन टू रिप्रेजेंट द वाइल्ड और डोमिनेंट कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर के जगह उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन लिया, दोनों ही स्मॉल लेटर में है, लेकिन अगर स्मॉल लेटर के ऊपर प्लस साइन होगा तो उसे हम कहेंगे डोमिनेंट, या फिर उसे इस टर्मिनोलॉजी में कहेंगे वाइट, ओके। तो देखते हैं यहां पर कितना लिया उन्होंने कैरेक्टर्स, थ्री कैरेक्टर, जिनमें से दो कैरेक्टर जो है वो पहले क्रॉस में यहां पर लिए हुए हैं। अभी देखो बेटा, पहला जो कैरेक्टर है वो है बॉडी कलर, जिसमें से अभी हम देखेंगे कि वाई, जो वाई है वो क्या है, येलो, येलो के ऊपर प्लस साइन है क्या, नहीं, तो ये कैरेक्टर कौन सा हो गया बेटा, ये कैरेक्टर हो गया यहां पर रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, ये यहां पर दिखाया है, ओके। इनमें हम लोग अलग कलर लेंगे, ओके। तो यहां पर ये जो हो गया, ये हो गया आपका वाई, मतलब कि रिसेसिव कैरेक्टर, उसका जो डोमिनेंट या वाइल्ड कैरेक्टर है वो है ब्राउन बॉडी, तो वाइल्ड है ब्राउन बॉडी जिसे कि हमने रिप्रेजेंट किया वाई प्लस से, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है येलो बॉडी जिसे हमने सिर्फ और सिर्फ वाई से रिप्रेजेंट किया। दूसरा जो कैरेक्टर है वो लिया उन्होंने आई कलर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू से लिखा हुआ है, मतलब कि वाइट जो है वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, क्या है, रिसेसिव, और जिसका डब्ल्यू प्लस है वो है आपका रेड कलर, ओके। तो वाइट कलर आई जो है, वाइट कलर आई वो है आपका रिसेसिव कैरेक्टर, और जो डब्ल्यू प्लस है जो कि है आपका रेड कलर, जो कि वाइल्ड कैरेक्टर है। और तीसरा जो है वो दूसरे क्रॉस में यहां पर लिया हुआ है, वो है बेटा मिनिएचर, मिनिएचर इज द विंग शेप, एक जो है वो स्मॉल एम है वो है मिनिएचर, मतलब कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, और जो नॉर्मल जो है विंग्स वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम प्लस से, ओके। ये हो गया बेटा कैरेक्टर जो उन्होंने लिए है। अभी देखो आगे देखते हैं, ये जो है ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में यू कैन से मेल एंड फीमेल, मेल, एक सेकेंड इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसमें जो है मेल जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से, और जो फीमेल है, फीमेल हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्स से, ओके। तो यहां पर देखो ये जो दो क्रोमोजोम यहां पर दिख रहे हैं, देखो ये दोनों एक्स एक साइज के क्रोमोजोम्स हैं, ओके। तो ये क्या है बेटा, ये जो है यहां पर उन्होंने फीमेल दिखाया है, देखो यहां पर फीमेल है, यहां पर मेल है, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, एक्स एक्स होता है, और मेल का कैसा होता है, एक्स वाई। आप लोग यहाँ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो वाई क्रोमोजोम है वो थोड़ा सा ऐसा कर्व होता है, ऐसा टिल्ट होता है, बेंट होता है जिसे हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक एक वाई क्रोमोजोम हो गया, ये एक्स हो गया, यहाँ पर ये दोनों की दोनों क्या हो गए बेटा, एक्स हो गए, एक्स हो गए, ओके।
तो ये इसे हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे कि x, ये हो गया x, x, y, w और x, y, w, ऐसे भी हम लिख सकते हैं फीमेल को, ठीक, फीमेल को, और इसको हम लिख सकते हैं x, जो कि x क्रोमोसोम है, और उस पे है y प्लस w प्लस, y प्लस w प्लस, और दूसरा जो है y। अभी देखो ये है मेल, अभी हमने देखा कि y क्रोमोसोम इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द x क्रोमोसोम, मतलब कि x क्रोमोसोम, दो अगर x क्रोमोसोम होंगे तो वो होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, उसमें एक लोकाय पर या एक लोकसाय पर सेम सिमिलर काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर दो क्रोमोसोम्स होमोलॉगस होंगे तो दोनों की दोनों x क्रोमोसोम अगर होंगे तो वहां पर वो प्रेजेंट होंगे दोनों की दोनों इस पर जो ये जो जीन्स है, लेकिन मेल में सिर्फ और सिर्फ एक x क्रोमोसोम होने की वजह से यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ x क्रोमोसोम पर वो प्रेजेंट है, y क्रोमोसोम पर उसका जो जीन है जो y प्लस और w प्लस जो है येलो बॉडी और व्हाइट आई का जो जीन है, सॉरी रेड बॉडी और व्हाइट रेड आई और ब्राउन बॉडी का जीन है वो प्रेजेंट ही नहीं हो, क्योंकि क्रोमोसोम ही वहां पर वो अलग क्रोमोसोम है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो, तो यही मैंने इसी फॉर्मेट में ये मैंने यहाँ पर वो लिखा है। तो चलते बेटा, अभी ये हो गया, यहां से शुरू करेंगे हम, ये हो गया आपका फीमेल और ये हो गया आपका मेल। तो यही जो डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है ये यही मैंने वहां पर निकाला है। यहाँ पर देखो y स्मॉल डब्ल्यू और यहाँ पर आपको एक जो छोटा डॉट दिया हुआ है ये क्या है बेटा, ये है आपका सेंट्रोमियर, ठीक, क्या है सेंट्रोमियर, एक ये बेटा आपका सेंट्रोमियर, ओके, ध्यान में रखिए सिर्फ। अभी देखो ये क्या हो गया आपका पैरेंटल जनरेशन हो गया, ओके, अभी ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हम लोग जैसे कैसे जा रहे हैं बेटा, हम लोग जा रहे हैं जैसे कि डायहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल जी ने किया था उसी टाइप से, उसी फ्लो में हम लोग जा रहे हैं। अभी देखो यहां पर क्या होगा, ये एक पेयर ऑफ एलेल्स है, ये एक है, ये दूसरा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा गेमेट्स, ओके, ये भी है एक, ये है दूसरा, ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स। तो गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे बेटा, देखो ये एक गैमेट में जाएगा, ये दूसरे गैमेट में जाएगा, ये जो एक क्रोमोसोम है एक एक्स, मतलब कि यहाँ पर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जो मियोसिस होता है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आधा क्रोमोसोम एक गैमेट में जाता है, आधे क्रोमोसोम्स दूसरे गैमेट में जाएगा, वैसे ही एक एक्स क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में जाएगा। तो ये गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे, यहाँ पर एक गैमेट तैयार होगा एक्स डब, यहाँ पर दोनों की दोनों जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पर पैरेंट दिख रहे हैं, तो गैमेट्स जो फॉर्म होंगे वो एक ही तरह के गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, जो कि होंगे एक्स वाई डब्ल्यू, वही लिखा है मैंने सिर्फ अलग भाषा में लिखा है, ये एक्स क्रोमोसोम है और उस पर है वाई और डब्ल्यू, ये दोनों एलील्स है, यहाँ पर भी ये सेम लिखा है मैंने X क्रोमोसोम पर YW, यहाँ पर देखो गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे, ये एक होगा और ये दूसरा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ Y ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो X क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट है वो Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो ये हो गया यहाँ तक, अभी ये गैमेट्स फॉर्म हो गए, गैमेट्स को हम लोग देखेंगे पनेट स्क्वायर में डालकर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर हो गया मेल, यहाँ पर हो गया फीमेल, और यहाँ पर ये जो गैमेट है मेल के गैमेट जो है ये यहाँ पर लिखे हैं और फीमेल के जो गैमेट है ये यहाँ पर लिखे हैं। तो हमको अब क्या मिला, देखो पनेट स्क्वायर हमने जब अप्लाई किया यहाँ पर मिला हमको एक्स वाई डब्ल्यू, यहाँ पर एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है जो कि यहाँ से आया मेल से,
तो इनमें ये कॉम्बिनेशन हमको मिला एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ओके। दूसरे में ये हमको ये मतलब वाई तो जैसे था वैसे ही वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा जो मिला वो था वो है एक्स वाई डब्ल्यू देन वाई, ओके। सेम जो है नीचे आएगा क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट यहाँ पर होमोसाइगस रिसेसिव होने की वजह से वहां पर प्रोड्यूस होंगे, तो ये भी ऊपर का जैसे वैसे ही आएगा जिसमें कि होगा एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और दूसरे में होगा एक्स वाई डब्ल्यू वाई, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे दो जो है वो फीमेल तैयार होगी, ये जो है ये दो जो है ये फीमेल है और ये जो दो है ये है मेल। तो हम लोग चार दो मेल और दो फीमेल की जगह हम लोग क्या लेंगे, एक मेल और एक फीमेल। अभी देखो मेंडल जी ने मोनो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या किया था, सेल्फिंग किया था, राइट। क्या किया था, सेल्फिंग किया था या सेल्फ पॉलिनेशन किया था, लेकिन वो हो गया प्लांट्स में। अभी ये जो है ये इंसेक्ट है एनिमेलिया का, तो इसमें तो सेल्फिंग जैसे प्लांट में होता है वैसे तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा। सो व्हाट ही डिड द इंटर क्रॉसिंग। इंटर क्रॉसिंग का मतलब क्या है, उनको अभी देखो यहाँ पर चार मिले, दो फीमेल मिले दो मेल मिले, ओके। तो इनमें से दोनों की दोनों सेम ही है, दोनों फीमेल सेम है दोनों मेल भी सेम ही है, तो इसमें क्या करेंगे, एक फीमेल उन्होंने सिलेक्ट किया और एक मेल उन्होंने सिलेक्ट किया और उनके बीच में क्या कराया, क्रॉसिंग कराया, फर्टिलाइजेशन कराया, ओके। फर्टिलाइजेशन कराया उसे हम कहते हैं इंटर क्रॉसिंग। क्या कहते हैं बेटा उसको, इंटर क्रॉसिंग। तो इंटर क्रॉसिंग कैसे कराया, देखो यहां पर ये हो गया आपका F1 जनरेशन जो आया, फोर आया था जिनमें से हमने लिया दो, क्योंकि चार मतलब दो दो जो है वो सेम ही है, इसलिए हमने एक मेल पैरेंट लिया और एक फीमेल यहां पर पैरेंट लिया F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन हमको आया एक्स वाई डब्ल्यू एंड एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, दूसरा जो आया वो आया एक्स वाई डब्ल्यू वाई। अभी हम लोग इसके क्रोमोजोम के भाषा में अगर लिखते हैं तो कैसे आएगा, ए एक्स यहां पर लिखा और ये एक्स यहां पर लिखा, ये यहां पर लिखा और ये यहां पर लिखा, यही हो गया, ओके। और ये भी उसी तरह से, ये जो एक्स है ये यहां पर लिखा और ये जो वाई है ये यहां पर लिखा। तो उनमें से क्या किया बेटा, उसमें हमने क्या अलाउ किया, इंटर क्रॉसिंग किया, मतलब कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन ये हो गया आपका F1 जनरेशन, ये है आपका पैरेंटल जनरेशन, ओके। F1 जनरेशन में अभी हमने क्या किया, इंटर क्रॉसिंग किया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंटर क्रॉसिंग करने के बाद हमको क्या मिला, गैमेट्स जो मिले, तो वो कौन से गैमेट्स मिले, देखो अभी देखो यहां पर ये जो है y x y w एंड x y प्लस w प्लस, ये हो गए एक तरह के गैमेट, ये यही पर लिखा है मैंने, ये ऊपर का हो गया, ये देखो यहां पर ये जो है ये x है, ये x है और ये x है, एक हो गया गैमेट आपका ये वाला और दूसरा हो गया आपका ये वाला, जो कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब कि F1 पैरेंट में जो है वैसे कि वैसे ही वो गैमेट्स वहां पर प्रोड्यूस होंगे। और जो Y क्रोमोसोम है, मेल पैरेंट है, उसमें तो यही तैयार होंगे, सिर्फ ये X, Y, W और Y जो कि मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, इसमें ये मेल के गैमेट्स फॉर्म हो गए, ये हो गए फीमेल के। अभी इसमें देखो, अभी यहाँ पर सभी जो इसेंस है, जो थ्योरी है का जो इसेंस है, अभी हम लोग ये कंपेयर करेंगे वो डायग्राम से। देखिए यहाँ पर F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन हमको क्या मिला, X, ये हम लोग X इसे कहेंगे, तो ये क्या हो गया X Y W और X Y प्लस W प्लस, और इसमें क्या हो गया X Y W और Y। अभी ये देखेंगे हम F1 जनरेशन यही है, ये देख लेंगे यहाँ पर, ये देखो ये जो है ये वही F1 जनरेशन यहाँ पर हमको मिला, ये देखो ये है F1 जनरेशन, ओके। तो देखिए
अभी यहाँ तक तो हम लोग देखेंगे, यहाँ उसके बाद में हम लोग यहाँ पर है। तो इसमें देखो ये जो है पैरेंटल कॉम्बिनेशंस के गैमेट यहाँ पर तैयार हो गए। लेकिन अभी सभी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ये मैं कहने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो नए कॉम्बिनेशन, मैं कलर दूसरा लेता हूँ, अभी देखो ये जो है गैमेट्स, ठीक है। हाँ अभी देखो मैं यहां पर थोड़ा बड़ा डायग्राम निकाल रहा हूं। अभी देखो यहां पर जो एक है वो है आपका वाई येलो बॉडी, दूसरा है पर दूसरा है W, और दूसरे में क्या है बेटा, दूसरे में है आपका Y प्लस और W प्लस। ओके अभी हम लोग देखते हैं यहां पर जब भी मियोसिस होगा, मियोसिस के टाइम जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं उनमें कुछ गैमेट्स तो इसी तरह के फॉर्म होंगे, X और ये भी X है, जो कि सेम ही फॉर्म होंगे, X Y W और X Y प्लस W प्लस, ये एक तरह के गैमेट फॉर्म होंगे। अभी क्या होगा बेटा, यहां पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, पर्टिकुलरली इन द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस इन द पैकेटिंग स्टेज, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा आपका क्रॉसिंग ओवर। यहां पर क्या होगा, ये यहां से क्रोमोजोम शुरू करेगा और ये जाएगा ऐसे, ओके ये जाएगा ऐसे, मतलब कि ये क्रोमोसोम ऐसे फॉर्म होगा, और जो दूसरा होगा वो कैसे फॉर्म होगा बेटा, वो दूसरा जो है वो ऐसे फॉर्म होगा। देखिए आप ये जो है ये ऐसे फॉर्म होगा, ये वाई जो है ये वाई जाएगा ऐसे, ये वाई जाएगा ऐसे। तो ये जो दूसरा वाला है वे कैसे फॉर्म होगा, ये होगा वाई प्लस, ये जो है Y प्लस और W, Y प्लस और W, और ये जो है पहला वाला वो कैसे फॉर्म होगा बेटा, वो होगा ऐसे, देखो ये होगा जो कि होगा Y Y और W प्लस, मतलब कि क्या यहां पर दो न्यू कॉम्बिनेशंस यहां पर हमको मिल रहे हैं, जो कि है X Y W प्लस और दूसरा जो है X Y प्लस W, ये चार कॉम्बिनेशन हमको यहां पर मिल रहे हैं, जिसमें से दो जो है ये है आपके पैरेंटल और ये जो है ये न्यू कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ओके ये हो गए पैरेंटल और ये हो गए रिकॉम्बिनेशन, और यू कैन से रिकॉम्बिनेंट्स। ओके तो ये दो नए मिल गए, यही मैंने यहां पर दिखाया, ये क्रॉसिंग ओवर यह यही है। तो ये हो गया, अभी इनमें से चार गैमेट्स यहां पर तैयार हो गए, जिसमें से दो जो है वो पैरेंटल है और दो जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन से। इसमें तो बेटा एक ही टाइप का होगा जो कि एक्स वाई डब्ल्यू है और दूसरा वाई है, इसको अगर हम पनेट स्क्वायर मेथड में अगर ढालते हैं तो क्या होगा, ये तो हो गया आपका मेल और ये जो हो गया कॉम्बिनेशन फीमेल का। ओके और फीमेल में अगर हम देखेंगे तो यहां पर मैंने एक लाइन खींच देता हूं, यहां पर देखो ये जो दो है पहले दो एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये हो गए आपके पैरेंटल कॉम्बिनेशंस, ये हो गए आपके पैरेंटल कॉम्बिनेशंस, और जो नए कॉम्बिनेशंस पैरेंटल कॉम्बिनेशंस और जो न्यू कॉम्बिनेशंस है यहाँ पर लिखे, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो ये टाइप के यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल्स तैयार होंगे, जैसे कि ये एक्स इसके साथ जाएगा तो ये तैयार होगा एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू, ये एक्स इसके साथ जाएगा तो तैयार होगा एक्स वाई डब्ल्यू वाई, ये एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस इसके साथ जाएगा तो तैयार होगा एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स वाई डब्ल्यू, और लास्ट में तैयार होगा एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई।
तो बेटा ये हमको जो मिले ये है अपने पैरेंटल कॉम्बिनेशन। देखो आप, देखो आप, मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूं। ये जो है बेटा एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई, देखो ये जो है चार, यहां पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं पहले। ये देखो यहां पर देखो बेटा, मैं यहां एक लाइन खींच लेता हूं। ओके, तो इसमें देखो ये जो है ये आ गए आपके पैरेंटल टाइप्स। ओके, ये जो है वन टू थ्री फोर, ये जो आ गए आपके, ये आ गए आपके पैरेंटल टाइप्स। और जो नए कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिले जो कि रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, वो है आपके फाइव सिक्स सेवन एट। अभी हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पर, ये जो है मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट जो है एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई। देखिए यहाँ पर एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई, ये है एक्स, ये है वाई, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई, ये आ गया आपका पैरेंटल वाला पहला। दूसरे में अगर देखते हैं, ये देखो यहाँ पर दूसरा एक्स वाई डब्ल्यू वाई, देखिए यहाँ पर ये हो गया एक्स वाई डब्ल्यू वाई, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू, ये हो गया तीसरा। यहाँ पर देखो चौथा है एक्चुअली वो एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू, और ये जो है एक्स, ये चौथा है और ये तीसरा है एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स y प्लस डब्ल्यू प्लस एंड एक्स वाई डब्ल्यू। तो ये चारों की चारों है, इसे हम क्यों कहते हैं पैरेंटल कॉम्बिनेशन। देखो ये आइदर, ये जो है ये देखो एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू, मतलब कि ये जो है ये एक तो पैरेंट फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन में प्रेजेंट है, ये देखो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी है एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई, ये देखो ये एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका इसमें फर्स्ट वाले जो पैरेंट है एक और एक, इसमें जो है ये दोनों प्रेजेंट है। और ये जो दोनों हैं, कलर दूसरा लेते हैं हम, ये जो दोनों हैं ये दिस वन एंड दिस वन, ये प्रेजेंट है आपका एफ वन जनरेशन में, ये प्रेजेंट है आपका एफ वन, ये देखो ये वाला और ये वाला, मतलब पैरेंटल मतलब क्या, पैरेंटल प्लस एफ वन जनरेशन के पैरेंट दोनों का, मतलब कि इसका दो और इसका दो, ये हो गया आपका पैरेंटल जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन आ गया बच्चों। तो ये हो गया आपका पैरेंटल जनरेशन। दूसरा जो है वो है बेटा जो नए कॉम्बिनेशन यहां पर निकल कर आए, जो कि है एक्स वाई वाई डब्ल्यू प्लस, जो इसके साथ में जाएगा एक्स वाई डब्ल्यू प्लस एक्स वाई डब्ल्यू, उसके साथ में एक्स वाई डब्ल्यू प्लस वाई, इसमें होगा एक्स वाई प्लस डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू और एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ये अगर देखेंगे हम तो ये सभी के सभी क्या है, न्यू कॉम्बिनेशंस, ये क्या है बेटा, न्यू कॉम्बिनेशंस है। तो इनमें हम लोग देखेंगे अभी, इसमें देखो आप कि जो मैंने दिखाया है अभी, देखो पांच एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये जो है एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये आपको दिख रहा है एक्स, ये जो है एक्स, ये है वाई, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू
देन वाई, ये हो गया आपका पांच नंबर पर। दूसरा है एक्स वाई डब्ल्यू प्लस वाई, ये हो गया आपका छठा नंबर पर। देखिए आप एक्स, ये है एक्स क्रोमोसोम, ये है वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई डब्ल्यू प्लस वाई, ये हो गया आपका छह नंबर पर। अभी देखो एक्स वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू, तो ये एक्स वाई प्लस डब्ल्यू, ये है एक्स, ये है एक्स, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू, ये हो गया सात। ओके, और लास्ट का जो है ये है एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये जो है सॉरी ये एक्स सॉरी एक्स वाई डब्ल्यू प्लस एक्स वाई डब्ल्यू। ओके, तो ये हो गया एक्स वाई डब्ल्यू प्लस और एक्स वाई डब्ल्यू। तो ये जो है ये चार नए कॉम्बिनेशंस है जो कि पैरेंटल में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। देखिए यहां पर तो हमको मिला, अभी ये सिंपली हमने क्या किया, जो मेंडल हाउ द मेंडल डिड डायब्रिड क्रॉस इन दैट फैशन वी कैरीड आउट दिस क्रॉस एंड वी गॉट दिस फोर एज अ पैरेंटल कॉम्बिनेशंस एंड फोर एज अ न्यू रिकॉम्बिनेशंस। ओके, तो इनमें लिंकेज का कंसेप्ट क्या बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन हमको मिले, जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन हमको मिले वो कितना मिला बेटा, अराउंड 98.7%। ओके, अराउंड 90 है, मतलब कि 100 में से 98 जो फ्लाइज है वो हमको कैसे मिले, जिनमें कि कोई ना कोई पैरेंट जैसा उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और जो न्यू, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट जो न्यू है या तो फिर उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, वो कितना मिला, 1.3% ओनली, 1.3% ओनली। मतलब कि क्या हो गया, ये जो जीन है, ये जीन है लिंक्ड जीन्स है, दोनों के दोनों जो येलो बॉडी और व्हाइट आई का जो जीन है, ये वाई और डब्ल्यू जो है ये एक दूसरे से बहुत ही पास है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर दो जीन्स, इफ दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर देन दे आर वेरी टाइटली लिंक्ड, एंड इफ द जीन्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम इच अदर देन दे आर लूजली लिंक्ड। ओके, तो टाइट जो लिंक जीन्स है उनमें जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है वो बहुत ही कम होता है, मतलब कि इतना इजीली नहीं होगा वो ऐसे क्रॉसिंग ओवर करके, क्योंकि दोनों जीन में जीन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम डिस्टेंस है, इसके वजह से क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर कम होगा। और इससे क्या होगा बेटा, तो जो पैरेंटल जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको F2 जनरेशन में दिखाई दिया, जो कि है अराउंड 98.7%। और जो न्यू मिला हमको, वो मिला हमको सिर्फ 1.3%। बेटा अभी ये जो क्रॉस, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, ये बहुत ही समवॉट डिफिकल्ट टू लर्न, बहुत नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था, लेकिन इस वीडियो के अगर आप देखते हैं तो ये क्रॉस आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर जो दूसरा क्रॉस है ये आपको करना है, आप ये क्रॉस करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि यस हमने क्रॉस किया। आप मेरे मेल पर भी वो क्रॉस कैसे किया वो भेज सकते। तो ये जो क्रॉस बी है, ये क्रॉस में दो कैरेक्टर जो लिए है वो लिए है, एक तो वाइट है जो इसमें भी था, और दूसरा जो लिया हुआ है कैरेक्टर मिनिएचर विंग। अभी देखो आप अगर इसे क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करो तो डब्ल्यू और एम इनका जो डिस्टेंस है, ओके, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इट इज मोर। और वाई और डब्ल्यू, ये वाई और डब्ल्यू इनका जो डिस्टेंस है ये क्या है, लेस। ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, तो अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो उसमें क्रॉसिंग ओवर का चांस भी ज्यादा होगा, तो क्रॉसिंग ओवर अगर ज्यादा होगा तो हमको क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे इजीली हो सकता है क्रॉसिंग ओवर। अगर इसमें का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मोर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, मोर आर द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मोर विल बी द चांसेस ऑफ गेटिंग रिकॉम्बिनेंट्स। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होने के वजह से यहाँ पर हमको जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है जो कि क्रॉस ए में हमको 98.7% मिला था,
यहाँ पर सिर्फ 62.8% मिला है और रिकॉम्बिनेंट जो कि हमको 1.3% ही मिला था क्रॉस ए में, वो यहाँ पर हमको मिलेगा 37.2%। तो बच्चों आपके लिए है होमवर्क है, आप ये क्रॉस बी जैसे मैंने ये क्रॉस ए यहाँ पर डिस्कस किया, सेम इसी फैशन में आप क्रॉस बी भी डिजाइन कीजिए और सॉल्व कीजिए और लिंकेज कंसेप्ट को लर्न कीजिए। आई होप कि ये वीडियो से आपको जो एनसीईआरटी में ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आपको पूरी तरह से यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है बच्चों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे शेयर कीजिए। यहाँ पर जो भी वीडियो है वो सभी के सभी फ्री वीडियोज़ है और कंप्लीट वीडियोज़ में यहाँ पर नीट के बनाने वाला हूँ। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होगा और उसके बाद में क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं नीट में उस टाइप का भी हमारा वीडियोज़ होने वाले हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी अगर डिफ़िकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर और ज़रूर बताइए। तो बच्चों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि अगर दो जीन्स लिंक्ड होते हैं तो उनमें एसोसिएशन ज़्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर का चांसेस कम होता है, तो देर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग पैरेंटल कॉम्बिनेशंस। और अगर दो जीन का डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होता है, तो रिकॉम्बिनेंट्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है बेटा वो उसको जो एक्सेप्शन है वो है लिंकेज। अगर 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% पैरेंटल मिलते हैं तो उसी केस में जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ट्रू रहता है, प्रूव होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। तो बच्चों बस आज के वीडियो में बस इतना ही, आपका अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।